जी सर, प्रैक्टिकल की तरफ मैं आया हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप जानें कि ये देखें, ये है शैम्पू बेस। इसे शैम्पू बेस कहा जाता है। मैं आपको ऐसे वही दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये शैम्पू बेस है। ये आप देख रहे हैं, ये जेल टाइप होती है ये शैम्पू बेस। और लाहौर में तो इसका मार्केट में रेट इस टाइम 300-320 रुपये चल रहा है, 320 रुपये चलता है। ये ऐसे होती है, और पानी में जब इसको हल करेंगे तो जल्दी हल नहीं होती, ज़रा डेट किस्म की होती है ये। और इसको फिर जो है ना, हल करने का तरीका ये होता है कि आप इसको पहले पानी में अच्छी तरह हल कर लें। हल करने के बाद फिर इसको आप छोड़ दें। इससे अगर कोशिश करें पूरी रात छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ये अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। जब डिज़ोल्व हो जाएगी ये, तो ये उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये इस टाइम अब पूरी डिज़ोल्व है। ये मैंने बोतल इसलिए चूज़ की है कि आपके लिए ज़रा आसानी हो, ताकि क्लियर आप इसका रिएक्शन देख सकें, ठीक है ना। प्रॉब्लम वगैरह इसमें ना, ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे मुकम्मल पानी है, लेकिन नहीं, इसमें हल्की सी चाक बन रही है, जिससे आपको आइडिया होगा कि ये इसमें डिज़ोल्व, ठीक है। अब ये बिल्कुल पतला है, इसी कंडीशन बिल्कुल पतला है। इसको अब मैंने करना ये है, ये मैं नमक है, नमक जो है ना, ये नॉर्मल नमक कोशिश करें लें आप, दानेदार भी चल जाता है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ये देखिए, अभी नमक मैंने डाला, नमक डाल के अब मैं इसको जो है, इसको अब डिसॉल्व करना शुरू करूँगा। देखिए आराम से, अब ये पहले बिल्कुल पानी ऐसा था, जैसे मैं इसको ऐसा डिसॉल्व करूँगा, इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाएगी। इसको ना आराम आराम से डिसॉल्व करें। मैं वीडियो थोड़ी बेशक लंबी बड़ी बन जाए, मकसद ये कि आपको और ये जो है ना, पता चले कि हो क्या रहा है बोतल के अंदर। ये हर चीज़ को पता होना चाहिए क्लियर। ये शीशे की जो बोतल है, मैंने इसलिए लिया कि आपको उसका मुकम्मल पता चले कि अंदर क्या हो रहा है। थोड़े थोड़े ज़रात हैं नमक के, डिज़ोल्व हो रहे हैं। आप इसको कहल करें, ऐसे ऐसा करते जाएं, फिर इसकी थिकनेस अभी ऐसे ऐसा आना शुरू हो जाएगी। अभी फ़िलहाल जो है इसमें थिकनेस नहीं है। पानी पहले वाले को, नमक को डिज़ोल्व करने के बाद आपने मज़ीद इसमें पानी और डालना है, सॉरी नमक और ऐड करना है इसमें। अभी मैं नमक और डालूँ, ठीक है, थोड़ा सा। अपने स्टूडेंट को समझाता है, तरीक़ाकार यही होता है कि आप उसको पूरा जो है वो समझाएं। वो डिपेंड करता है आपके जो है स्टूडेंट पे कि वो किस तरह पिक कर रहा है। ये देखिए, मैंने इसमें नमक और शामिल किया। ट्रांसपेरेंसी इसकी अभी वैसे ही है, थोड़ा बहुत दूरियापन अगर होगा वैसे ही तो कोई मसला नहीं। जब ये बन जाएगा तो उसके बाद दोबारा फिर ये वैसे ही हो। ये देखिए, थिकनेस आनी शुरू हो गई है वैसे। अब चम्मच से ही लग रहा है कि थिकनेस आ गई है। ये देख रहे हैं, थोड़ा सा असल में मैंने नंबर ज़रा ऐसे ऐसा डालूँ। आप नमक डालती हैं ऐसे ऐसा हिलाते हैं, हिलाते हैं। ये समझा सकता हूँ कि आज ये तैयार हो गया, लेकिन नहीं, उसका मज़ा नहीं है। आपको सिखाने का, समझाने का मकसद ये है कि आपको हर मरले का पता हो कि क्या क्या मसले आ सकते हैं। अब थोड़ी कोना शुरू हो गया ऐसा ऐसा, क्योंकि रिएक्शन करता है। अब हम जो नमक डालेंगे, इससे इसने अब गाढ़ा होना शुरू हो जाना है। मैंने कई फार्मूलेशन मेरी और हैं कि ये हैंड वाश जो बनाया जा रहा है इसका, ये देखिए, अब ये देखिए ना, थिकनेस आना शुरू हो गई अच्छी खासी। ये देखिए कितना थिक है ये माल है। ये देखिए, ये भी आप इसमें और नमक डालेंगे तो ये और थिक हो जाएगा। असल में वीडियो ज़रा लंबी होती जा रही है,
तो मैं बस मुख्तसर ये कि नमक सिर्फ मिक्स करके, अच्छा इसी में आपने कलर ऐड करना। कलर मेरे पास पड़ा है, मैं आपको भी ऐड करके दिखाता हूँ। और फिर इंशाल्लाह ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया, ठीक है। ये इस और गाढ़ा कर रहे थे, इसमें और नमक डाल सकते हैं, नमक की गुंजाइश इसमें भी हो रहा है। ये मैंने बताया 1 किलो शैम्पू बेस यानी कि SLES और 9 किलो पानी, ठीक है। आप इससे कास्ट भी नीचे आएगी और चीज़ भी वही बनेगी जो नॉर्मली तौर पर बनाई जाए। आपको नज़र आएगी बाकी चीज़ तैयार हो गई। ये कलर मेरे पास है ग्रीन, इसको मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँ सिर्फ। आपको ये और गाढ़ा हो सकता है, नमक लगता है ज़्यादा डल गया। ये कलर बाल देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। कलर ये देखिए, ये देखिए ये शक्ल इसकी निकल आई, कितनी ज़बरदस्त शक्ल निकला। ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा वाला, बहुत ज़्यादा भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, तेज कलर अच्छा नहीं लगता, अजीब ही लगता है। जैसे आपने ब्रांड दिखाना है, अपना ब्रांड ऐसा बनाया कि आप अभी मुझे मेरे हिसाब से ये कलर तेज़ है बाहर, लेकिन ये मार्केट के हिसाब से तो ये ठीक है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा लाइट होना चाहिए था। ये देखे ना काफ़ी ये अच्छा खासा थिक है, ये देखे ना माल अच्छा खासा थिक है, और ये बन भी अच्छा, लग भी बड़ा खूबसूरत रहा ये, ठीक है। अच्छा जी ये देखें, अब ये अच्छी क्वालिटी का आपका हैंड वाश जो है, सस्ता तरीन हैंड वाश जो है वो तैयार है। होटलों में दें आप जाके, छोटे होटलों में भी आजकल साबुन कौन इस्तेमाल करता है, हैंड वाश यूज़ होते हैं। आप 70-80 रुपये रेट लगा के, मतलब कि 35 रुपये की चीज़ बनी है आप 70 रुपये की बेचे जाके आराम से। और बड़े बड़े होटलों में दें, हर तरफ दें। ये देखें कितना इसमें खुशबू जो है ना, खुशबू आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं कोई भी मुख्तलिफ। मैं ज़्यादातर जैस्मिन यूज़ करता हूँ और रोज़ मतलब गुलाब यूज़ करता हूँ, ये ज़्यादा चलते अच्छे लगते हैं। ये देखें अच्छी कंडीशन में, ये देखें अब ट्रांसपेरेंसी भी इसमें आ रही है। ये देखें ना ऊपर से ट्रांसपेरेंसी आ रही है इसकी, देखें ना इसकी धार सी आपको आइडिया हो रहा होगा। ये देखें ये पड़ा रहेगा 2-3 घंटे तो ये बेहतरीन किस्म का बन तैयार हो जाएगा। कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, कोको बटीन के डी कंडीशनर फलाना ये वो, जाग इसकी बहुत आला किस्म की बनती है, बेहतरीन जाग इसकी है जनाब। हाथों में आप इस्तेमाल करेंगे मज़ा आएगा आपको। ऐसे ही फजूल चीज़ें ऐड करके तो आप कास्ट बढ़ाते हैं, और जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे उतना ही जो है ना शैम्पू ख़राब होने के चांस होते हैं। ये चाहे आपका 10 साल ही पड़ा रहा, ये ख़राब नहीं होने वाला। ये देखिए बेहतरीन किस्म का आपका ये तैयार हो। ये देखिए थार देखिए आप इसकी हवा से किस तरह अच्छा खासा ही। इसमें नमक आप ऐड करेंगे ना ये और थिक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने ये घर के लिए बनाया है थोड़ा सा तो मैंने ज़रा पतला ही रखना है। ये देखिए बहुत आला क्वालिटी का तैयार हो गया, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी मैं आपको ना इसको इस मग्गे में डाल के दिखाता हूँ। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो का आपको फ़ायदा बड़ा होने वाला है, आप कहीं प्रॉब्लम भी नहीं आने वाले किसी तरह भी। ये देखिए अब ये खाली है, ये देखिए कितना थिक है, ये देखिए नज़र आ ही रहा होगा आपको अच्छा खासा थिक, और ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी है। मेज़ नज़र आ रहा है नीचे से, देखिए आप ये देखिए अभी इसने ट्रांसपेरेंट और होना है, 2-3 घंटे पड़ा रहेगा, बड़ी अच्छी शक्ल बन जाएगी इसकी। ये देखिए इसकी धार नहीं टूट रही अभी तक, खाली हो गया, ये इसकी गाढ़ेपन की निशानी है। ये देखिए मतलब इससे अच्छा सस्ता और क्या हैंड वाश कौन सा होगा। ये देखिए अब मैं दोबारा आप इसमें डालता हूँ, ये देखिए आप कितना यानी कि खूबसूरत और सस्ता तरी ये हैंड वाश तैयार हुआ। ये देखिए अच्छा खासा गाढ़ा है, और गाढ़ा करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक आप और ऐड करेंगे तो ये और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। और आपको 2 फार्मूले इसके मिल गए, मतलब ये इसमें वाटर का तरीका ये बता दिया मैंने आपको, और इसी में हैंड वाश कैसे बनता है ये भी तरीका बता दिया मैंने, ठीक है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, 2 प्रोडक्ट बनाएं और बेचें,
दुआओं में याद रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं आपको अच्छी तरह डिटेल में हर केमिकल के मतलब बताऊँगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन उसमें आपका फ़ायदा ही होगा। अल्लाह हाफिज़।